चलिए जी, तो आज हमारा जावा का फर्स्ट सेशन है ना, और इस फर्स्ट सेशन में हम जावा के बारे में जानेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा, कोई क्वेरी होगा जरूर पूछेगा आप। तो जब हम जावा पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए कि भाई जावा हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसको पढ़ने से क्या हमारा फ़ायदा होगा, और जावा है ही क्या एग्जैक्टली। अगर आपसे कभी आप इंटरव्यू में जाते हो, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा भैया जावा बताओ, जावा के फीचर्स बताओ, क्यों बनाया गया जावा, ये सब बताओ, है ना, तो हमें वहाँ पे इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर मैं इसकी थियोरेटिकल, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर आप लोगों को पढ़ाने से पहले बताना चाहूँगा कि जब भी आप सेशन करने बैठो ना, तो आप अपने पास एक कॉपी पेन रख लिया करो, राइट। तो उससे क्या है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपसे कोई पूछना है तो वो लिख लिया करो, है ना, और जो मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन वगैरह बताऊँ, चीज़ें बताऊँ, वो ज़रूर आप नोट डाउन कर लिया करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, है ना। वैसे मेरे पास डॉक अवेलेबल है, मैं आपको ज़रूर थियोरेटिकल कंसेप्ट के लिए और बहुत सारे डॉक आपको दे दूँगा, मेल कर दूँगा, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई जावा क्या है और ये क्या कर सकता है, इसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, और इसमें ऐसा क्या है जो अदर लैंग्वेजेस के अंदर नहीं है, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लैंग्वेजेस तो आज के टाइम पे बहुत सारे हैं, आज पाइथन है, कहते हैं पाइथन बहुत बूम चल रहा है, हर बच्चा जो है आज के टाइम पे कहता है पाइथन हम सीखेंगे भाई, है ना, कोई कहता है हम PHP सीखेंगे, कोई कहता है हम डॉट नेट सीखेंगे, राइट। तो क्या नाम है, आप सुजीत ने शायद ये क्या कर लिया है, ये उन्होंने अपना इस वो क्या नाम है अनम्यूट कर दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू सुजीत सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर। अच्छा ठीक है, वो आपकी तरफ से आवाज़ आने लगा था ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात ये कर रहा था कि लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस का जो है अपना अपना वैल्यू है, बट उनमें जावा का क्या वैल्यू है वो हम समझते हैं। देखिए, अगर हम जावा की डेफिनेशन की बात करें तो जावा के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स बोले जा सकते हैं, है ना। पहला पॉइंट ये बोला जा सकता है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, PL स्टैंड फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसे मान लेना आप, राइट। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी हाई लेवल की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कैटेगरीज होती हैं, हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, तो ये है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग भी कुछ 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 जानते हो, कुछ भी पॉइंट? मैं तो एक पॉइंट जानता था, बता दिया कि जावा एक हाई लेवल की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप लोग भी कुछ जानते हो कोई अपना? हाँ जी, इसमें दो क्लास बनते हैं हाँ, नहीं और ये काफी सिक्योर होता है सर। जैसे जैसे काफी सपोज सिक्योर होता है ये। सपोज करो आप लोग इंटरव्यू में गए और आपसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा कि भाई जावा क्या है, व्हाट इज जावा, तो क्या बताओगे? ये इसमें क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, हाँ सिक्योर होता है, वो तो फीचर हो गए, बट है क्या जावा? जावा एक हाई लेवल की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट हाई लेवल ओरिएंटेड। का ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड। लैंग्वेज है ना, यस और ये प्लेटफॉर्म भी है, इट इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म, ठीक है सुजीत, म्यूट कर लो यस सर। आप। इट इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म, इसे हम प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं। तो जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल इट इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म, इसको हम एक टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट इज ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बोलिए। अच्छा अब चलो, ये सारे पॉइंट हो गए। वैसे अगर देखा जाए तो जावा एक कॉफ़ी का नाम है जो इंडोनेशिया के अंदर पाई जाती है, और जावा कॉफ़ी के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है बेसिकली,
है ना। तो जावा इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म, इट इज ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी, एंड दिस टेक्नोलॉजी, दिस कंसेप्ट, दिस लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाई मिस्टर जेम्स गॉसलिन एंड हिज टीम इन 1995, है ना। 1996 में इसका एक्चुअल वर्जन पहला रिलीज मतलब लॉन्च हुआ था, तो 1995 में इसको डेवलप किया था जेम्स गॉसलिन और उनके टीम ने, राइट। तो ये इसके बारे में मतलब थोड़ा सा हिस्ट्री है। और ये मैंने आपको बताया कि ये कॉफ़ी का नाम है जो कि इंडोनेशिया के अंदर पाई जाती है, जो कि इंडोनेशिया एक जगह है ना, वहाँ पे जावा एक आइलैंड है, वहाँ पे जावा कॉफ़ी भी होती है, राइट। तो उसी कॉफ़ी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो आप जब भी देखोगे जावा में, तो जावा से रिलेटेड हर जगह आपको कॉफ़ी का एक सिंबल मिलेगा, समझ आ रहा है। तो ये कहानी है बेसिकली जावा की। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है भाई माइंड में कि सर आप बोल रहे हो कि हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हाई लेवल की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो मार्केट में बहुत सारे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन भी है ना, PHP भी है, तो जावा में ऐसा क्या है। तो मैं यहाँ पे ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि भाई देखिए, हर लैंग्वेज की अपनी रिस्ट्रिक्शन होती है, लिमिटेशन होती है कि व्हाट दे कैन डू, व्हाट दे कैन डू, है ना। बट जावा इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज विच हैविंग नो एनी रिस्ट्रिक्शन, विच हैविंग नो एनी लिमिटेशन। वंस यू हैविंग अ नॉलेज ऑफ जावा, यू कैन लर्न एन नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यू कैन स्विच योर कैरियर इन एनी वेयर, आइदर इन डेवलपमेंट, आइदर इन टेस्टिंग, आइदर इन मोबाइल एप्लीकेशन, आइदर इन एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, आइदर इन क्लाउड प्रोग्रामिंग, यू कैन स्विच योर कैरियर एनी वेयर, राइट। अभी मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा था, मेरे स्टूडेंट हैं भाई, वो पूछ रहे थे मेरे से कि सर मैं एंड्रॉयड सीखना चाहता हूँ, और एंड्रॉयड में क्या बेसिक बेसिक जावा अगर आती है तो चलो ठीक है, उससे काम हो जाता है, यार नहीं भी आती है तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं आपको वहाँ पे ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा, देखो काम चलाने वाली अगर बात है तो काम तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप एक कह सकते हो ना टेक्नोलॉजी पे अच्छा होल्ड रखना चाहते हो तो आपको लैंग्वेज सीखना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हम एंड्रॉयड, क्योंकि आप लोग एंड्रॉयड भी सीखोगे और एंड्रॉयड सीखने के लिए आप जावा सीख रहे हो, तो बात यह आ जाती है कि हम एंड्रॉयड सीखने के लिए जावा सीख रहे हैं तो हम कोटलिन सीख लेते, हम कोई और लैंग्वेज सीख लेते, हम जावा क्यों सीख रहे हैं। तो जावा को सीखने के आगे क्या और फ़ायदे हो सकते हैं, तो यहाँ पे ज़रूर मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँगा कि देखिए, अगर आप जावा को सीख लेते हैं तो जावा को सीखने के बाद अगर आप अपना करियर जावा में ही बनाना चाहते हो, कल को आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट मान लो फ्लॉप हो गया, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मान रहा हूँ, आप एंड्रॉयड नहीं करना चाहते हो तो आप अपना करियर जावा में ही बना सकते हो जावा को सीख के, राइट। अगर आपको इसका नॉलेज है तो जावा में बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, जावा में वेबसाइट्स बनती हैं, जावा के अंदर जो है अच्छे अच्छे जो हमारे CRM ERP जैसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो आप उसमें अपना करियर बना सकते हो, है ना। अब देखो हर टेक्नोलॉजी की अपनी रिस्ट्रिक्शन है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, PHP है, PHP में क्या रिस्ट्रिक्शन है, PHP से वेबसाइट बनती है, क्या PHP से डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनती है क्या जो किसी मशीन पे चले, सिंगल सिस्टम पे चले, नहीं, ओनली PHP से है ना वेबसाइट बनती है, वेब एप्लीकेशन बनती हैं, और वो भी वेब एप्लीकेशंस उतने सिक्योर नहीं माने जाते हैं जितनी सिक्योरिटी हमारे जावा के अंदर होती है। रीज़न बिंग, क्योंकि हमारे यहाँ सिक्योरिटी के लिए अलग से APIs हैं, सिक्योरिटी के अलग पैकेजेस हैं, सिक्योरिटी के अलग फ्रेमवर्क्स हैं, इनको यूज़ करके हम सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे कह सकते हो सिक्योरिटी लेयर को बढ़ा सकते हैं। अब वर्डप्रेस के अंदर PHP में जो वेबसाइट बनती है उसको हैकर ईजिली हैक कर सकता है, बट वही वेबसाइट जावा में अगर डेवलप होगी तो उसको ईजिली हैक नहीं कर पाएगा। चलो वो तो अलग अलग चीज़ें हैं, मेरे कहने से नहीं हो जाता है कि भैया हैक कर लेगा कि नहीं कर लेगा, बट हाँ रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशंस होती हैं भाई, कि रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन होती है कि भैया हर लैंग्वेज की अपनी रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशंस हैं। जैसे चलो बहुत पहले स्टार्टिंग की बात कर लें, अगर हम सी की बात करें तो सी भी एक तो लैंग्वेज है ना, बट सी में क्या रिस्ट्रिक्शन है, सी के अंदर रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, सी में वो सारे काम हो सकते हैं जो जावा में होते हैं, सी में भी वेबसाइट बन सकती है, और सी तो एक ऐसी लैंग्वेज जो हर लैंग्वेज की मदर है। बट फिर भी मैं आपको बताऊं, सी बेसिकली जो आज के टाइम पे यूज़ होती है वो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के लिए होती है। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग का मतलब जैसे आप एग्जांपल के तौर पे जाओ, आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो और आप देखते हो, जैसे आप जाते हो
तो मॉल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, वो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग है, जहाँ ऑटोमेशन है, मतलब ऑटोमेटिक काम हो रहा हो, लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है ना, वहाँ पे एम्बेडेड प्रोग्रामिंग है। जब किसी हार्डवेयर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एम्बेड कर दिया जाता है ना, तो वहाँ एम्बेडेड प्रोग्रामिंग आ जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सी का यूज़ हार्डवेयर लेवल पे बहुत ज़्यादा होता है, और उससे वेबसाइट बनाओगे, लेकिन सी से जो वेबसाइट बनाओगे हो सकता है सालों लग जाएंगे, जो जो काम हमारे जावा के अंदर जो 1 महीने के अंदर हो जाएगा, वहाँ पे साल भी लग सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि चीज़ें बनी बनाई नहीं है, रेडीमेड नहीं है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको थ्रेड चलाना है, तो आपको थ्रेड का पूरा लॉजिक लिखना पड़ेगा, आपको डेटा स्ट्रक्चर, आपको लिंक लिस्ट यूज करना है तो लिंक लिस्ट का आपको पूरा लॉजिक लिखना पड़ेगा, आपको एल्गोरिदम्स बनाने पड़ेंगे, वो आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, राइट। तो प्रोसेसर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, नो डाउट, फायदे बहुत सारे हैं, और कई जगह इसकी कोडिंग की ज़रूरत पड़ती भी है सी की, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशंस क्या है कि भैया यही यही काम करेंगे, बेसिकली अभी इन्हीं इन्हीं पर्पज़ के लिए बना दिया गया, चलो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एम्बेडेड एप्लीकेशन यूज करेंगे, इनके अंदर इनका यूज है। पीएचपी की रिस्ट्रिक्शन ये है कि भाई उससे वेबसाइट्स बनेंगी और कुछ नहीं, ठीक है। पाइथन, पाइथन जो पाइथन आज मार्केट में इतना ज़्यादा चल रहा है कि पाइथन ये पाइथन वो, पाइथन से सब कुछ कर सकते हैं, नो डाउट। पाइथन के अंदर थोड़ा सा क्या है, रिच लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे लाइब्रेरीज बना के रेडीमेड इन्होंने दे दिया है। अब जो काम जावा में कोडिंग से थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में, वो पाइथन से ईजी हो जाएगा, बट आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा है ना, मतलब कह सकते हो कि इसका जो क्रेज़ है वो ये है कि भाई पाइथन में कहीं ना कहीं वो सारे काम हो जा रहे हैं जो जावा में हो रहे हैं, इवन जावा में भी हो सकते हैं और हर लैंग्वेजेस में हो जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कंपनीज के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर 80%, 85% मार्केट जो है जावा लैंग्वेज ने पहले से ही कैप्चर कर रखा है। तो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट के, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, वो इस टेक्नोलॉजी के अंदर ऑलरेडी डेवलप हैं। और कंपनीज के अंदर जब हमारी हायरिंग होती है, तो कोई नए काम के लिए नहीं होती है कि भाई आपको ये नए सिरे से नया काम करने वाले हो, आप किसी बने बनाए प्रोजेक्ट्स पे ही कुछ इन्हांसमेंट करते हो, उसके अंदर कुछ मॉड्यूल में चेंज करते हो, या कोई बग आ गया उसे रिपोर्ट, मतलब उसको फिक्स करते हो, बस यही काम होता है ना। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका मतलब 80% ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हो कि 80% मार्केट में ये एक्वायर्ड हो चुका है, तो वहाँ पे हमारे पास जॉब की अवेलेबिलिटी जो है ज़्यादा हो जाती है ना, जॉब थोड़ा सा वहाँ ज़्यादा अवेलेबल है, राइट। तो ये चीज़ है, बाकी तो वैसे तो हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम बेकार है। अच्छा, एक चीज़ और है कि भाई आपका कहीं ना कहीं पाइथन से अगर इसका कंपैरिजन हम करेंगे, तो इसका इसके साथ कंपैरिजन ये हो जाता है कि जो पाइथन की प्रोग्रामिंग होती है ना, वो डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकती है, वो डायरेक्ट हार्डवेयर से डील कर सकती है, और जावा का जो प्रोग्राम होता है ना, वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करता। सी की भी प्रोग्राम डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकती है, लेकिन जो पाइथन के प्रोग्राम हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, उनमें फ़ायदा क्या होता है, पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज बने बनाए हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज बने बनाए हैं, जिनसे हमें कोडिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है डेवलपमेंट, राइट। तो जब आप वहाँ पे भी पाइथन का यूज़ तब है जब आप मशीन लर्निंग की तरफ जाते हो, जब आप डीप लर्निंग की तरफ जाते हो, डेटा साइंस की तरफ जाते हो, तो उसको यूज कर सकते हो, नो डाउट, है ना। लेकिन बात वही है कि अगर कोई नई चीज़ डेवलप होगी तभी, है ना। अब पहले से, अब कंपनीज के अंदर देखो, हर लैंग्वेजेस के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, तो कंपनीज के अंदर मैं आपको ये बस ये बता रहा हूँ कि अगर कंपनीज के अंदर ऑलरेडी प्रोजेक्ट जावा का चल रहा है, तो वो पाइथन का बंदा हायर नहीं करेगा, वो जावा का ही बंदा हायर करेगा, तो ये चीज़ है। चलो, वो तो अपना एक अलग एरिया हो गया। डॉट नेट की अगर हम बात करें, तो डॉट नेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, नो डाउट, जिसका यूज करके सॉफ्टवेयर तो डेवलप होते हैं, और हर तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी डेवलप हो जाती है, वेब भी डेवलप हो जाती है, बट उनके साथ एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि जब उनके वेब एप्लीकेशन बनते हैं ना, तो उनको चलाने की जो सर्वर होती हैं वो एक ही सर्वर होता है। जैसे जैसे जावा के अंदर एन नंबर ऑफ सर्वर है, जावा में अपाचे टॉमकैट है, जेबॉस है, ग्लासपिस है, वेब स्पेयर है, बहुत सारे सर्वर्स हैं, एन नंबर ऑफ सर्वर जावा के अंदर हैं, और कोई अपना सर्वर बना भी सकता है, बट डॉट नेट में एक ही सर्वर आता है जिसका नाम होता है IIS, है ना। तो IIS सर्वर पे वो चलते हैं, तो उनके साथ सर्वर की रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, सर्वर की लिमिटेशन आ जाती है, वो अपनी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट होते हैं, दैट इज़ विंडोज़ प्लेटफॉर्म। और आजकल क्लाइंट क्या होता है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज का ज़माना है, वो ओपन सोर्स नहीं है, आज ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ओपन सोर्स का मतलब जहाँ सोर्स कोड फ्री में मिल जाए, फ्री में सपोर्ट मिल जाए, सॉफ्टवेयर फ्री लाइसेंस हो, है ना। तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि डॉट नेट, वो पेड है, राइट, उसकी सारी चीज़ें लाइसेंस है, मतलब आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, तो वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, ठीक है।
और साथ ही साथ वहाँ पे सर्वर की डिपेंडेंसी आ जाती है। तो जावा इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज, अब इस पे आ जाते हैं, जावा इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज जिसके पास ऐसी वर्सटिलिटी है, जो कहते हैं इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जावा का, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है, जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आप इसको डेफिनेशन में इसको जोड़ना चाहते हैं कि जावा इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट विच कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, राइट। एक बार जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करो विंडो पे, सेम प्रोग्राम को लिनक्स पे, मैक पे, किसी और प्लेटफॉर्म, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे रन करना चाहते हो रन कर सकते हो, जो कि मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। कंपाइल वंस रन एनीवेयर का फीचर है यहाँ पे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कोरा बोलते हैं, कंपाइल वंस रन एनीवेयर। और ये सर्वर इंडिपेंडेंट भी है, हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एन नंबर ऑफ सर्वर हैं, हमारे पास बहुत सारे सर्वर हैं, तो हम सर्वर इंडिपेंडेंट भी हैं। अच्छा, फ़ायदा क्या है इसको सीखने का, अब बिल्कुल बेसिक लेवल पे आते हैं। देखो, एक बात एक सिंपल वर्ड में मैं बोलूँगा और बहुत ही सिंपल वर्ड में इसको समझाऊँगा कि जावा करने वाला बंदा एक बार इस टेक्नोलॉजी को सीख लेता है, एक टेक्नोलॉजी को पे अच्छा होल्ड हो जाता है, तो कभी भूखा नहीं मरने वाला है। बस सिंपल सा मतलब ये बोलूँगा, भूखा नहीं मरने वाला है उसको इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का, कह सकते हो कि अगर नॉलेज हो जाएगा तो किसी भी एरिया में जाके अपने करियर को बना सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आपने जावा सीख लिया, जावा को बहुत अच्छे सीख लिया, तो मैं आपको बताऊं एंड्रॉयड आपकी मुट्ठी में है, एंड्रॉयड तो कभी भी आप किसी भी तरह से सीख सकते हो, ठीक। कैसे सीख सकते हो, जब जावा सीखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ, अब एंड्रॉयड में कुछ भी दम नहीं है, ठीक है। जावा को सीख लिया कि कल को आप एंड्रॉयड में करियर बना सकते हो, एंड्रॉयड फ्लॉप हो गया, एंड्रॉयड में करियर नहीं बनाना है, तो आप जावा को सीख करके जावा में डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में चले जाओ, जहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बन रही हैं, जहाँ पे कह सकते हो कि एक एक ही मशीन पे चलने वाले सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, अगर आप कोर जावा की बात करोगे तो। लेकिन अगर आपको करियर वेबसाइट डेवलपमेंट में करना है, तो आप एडवांस जावा सीख करके वेब एप्लीकेशन में आप अपना करियर बना सकते हो। और मैं आपको बताऊँ, बहुत वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज है जहाँ पर आप अपने आप को वहाँ पे ढाल सकते हो, है ना, ठीक है। चलो, मान लो कि आपको वेब डेवलपमेंट में या आपको मोबाइल डेवलपमेंट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग से जावा पे ट्रेनिंग दिया है, फिर मैं जावा में कुछ डेवलपमेंट किया हूँ, फिर एंड्रॉयड में मैंने डेवलपमेंट किया है, फिर आज के टाइम पे मैं एक ऐसे फील्ड में हूँ जहाँ पे बहुत कम हेडेक होता है कंपनी के अंदर, जहाँ पे काम के नाम पे मतलब समझ लो कि बहुत ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। तो मतलब आराम तो चाहिए ही चाहिए ना, काम चाहिए, ठीक है, काम आना चाहिए, और वो फील्ड होती है टेस्टिंग की फील्ड, राइट। आप अपने करियर को टेस्टिंग में बना सकते हो, टेस्टिंग के अंदर टूल्स होते हैं, सेलेनियम होता है, आपका जे मीटर होता है, आपका सेलेनियम हो गया, जे मीटर हो गया, रेश एश्योर्ड एपीआई टेस्टिंग के लिए हो जाती है, कुकुम्बर आ गया, ठीक है ना, एपीएम आ गया। आप पूछ रहे थे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे टेस्ट होता है, राइट, परवेश पूछ रहे थे मेरे से। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए एपीएम की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे प्योर जावा की प्रोग्रामिंग मतलब आनी चाहिए। तो अगर आपको जावा आती है, आप इन टेस्टिंग के टूल्स को सीख सकते हो, आप कुकुम्बर, जे मीटर, है ना, आप सेलेनियम को सीख के अपना करियर टेस्टिंग बना सकते हो, बहुत हैंडसम पैकेज है ना। और उसके साथ ही साथ अपने करियर को आरपीए के अंदर भी बना सकते हैं, आरपीए भी एक एरिया होता है जहाँ पे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है, अगर आपको लैंग्वेज का नॉलेज है तो यहाँ पे भी आप अपने कैरियर को बना सकते हो। तो टेस्टिंग एक फील्ड है जहाँ पे जावा को सीखने के बाद अपने कैरियर को बना सकते हो। आपने कहा सर आप पीएचपी सीखते, आप डॉटनेट सीखते, तो भैया कैरियर नहीं हो पाता, राइट। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अब आज के टाइम पर अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जावा विथ पाइथन, सॉरी, टेस्टिंग विथ पाइथन भी होने लगा है, टेस्टिंग विथ कह सकते हो कि डॉटनेट से भी हो जाता है, लेकिन और टेस्टिंग हर लैंग्वेजेस से हो जाता है ना, मैं आपको बताऊं। लेकिन और इवन सेलेनियम की भी जो ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे भी जाओगे तो आपको उनके जो जार फाइल्स हैं हर टेक्नोलॉजीज के अंदर अवेलेबल हैं, पाइथन में अवेलेबल हैं, रूबी में अवेलेबल हैं, जावा में अवेलेबल हैं। और फिर अगेन बात आ जाती है कि अभी भी जो टेस्टिंग स्टार्टिंग से चलती आ रही है और जिस पे काम हो रहा है, जो ऑलरेडी स्क्रिप्ट बन चुके हैं, वो जावा में बने हुए हैं, और इसीलिए जब हायरिंग होती है तो भैया जावा वाले बंदे मांगे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पाइथन सीख लोगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा, नहीं। और एक मैं आपको स्टार्टिंग से भी बोला हूँ कि देखो, टेक्नोलॉजीज बहुत सारे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत सारे हैं, लैंग्वेज बहुत सारे हैं, किसी भी एक लैंग्वेज को अगर बिल्कुल दिल से सीखते हो, अच्छे से सीखते हो, है ना, तो मेरी गारंटी है कि आप किसी भी लैंग्वेज को सीख जाओगे, किसी भी लैंग्वेज को सीख जाओगे। और अगर लैंग्वेज में कुछ
मैं आपको बताऊं, मुझे सी नहीं आता था, मैंने डायरेक्ट जावा सीखा है। सी का बस समझ लो कि वो ब्लू कलर की स्क्रीन आती थी, वेरिएबल डिक्लेयर वगैरह करने आता था थोड़ा बहुत, और बहुत ज़्यादा नहीं सीखा। लेकिन अब जब मैंने जावा सीख लिया है, देन मैं आप सी भी बहुत अच्छे से मुझे आने लगा है। सी में पॉइंटर्स के कंसेप्ट मुझे समझ में आ गए हैं। सी में मुझे आगे जो है स्ट्रक्चर, यूनियन, जो भी जो कंसेप्ट हैं उनको भी मैंने सीख लिया है, राइट। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक। क्योंकि देखो उस टाइम पर मुझे उतना ज़्यादा नहीं नॉलेज था, तो मुझे थोड़ा सीखने में डिफ़िकल्टीज होती थी, ठीक। तो पहली लैंग्वेज मेरी जावा रही, जिससे मैंने अपना समझ लो कि कैरियर बनाया और इसको बहुत अच्छे से सीखा, ठीक। तो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखने के फ़ायदा पता है क्या होता है, ये टेक्निकली और ग्रामेटिकली बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज है। इसका ग्रामर और इसका टेक्निक मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि स्टैंडर्ड है, यहाँ क्या है स्टैंडर्ड क्या है कि भैया ये क्लास है, ये वेरिएबल है, ये मेथड है, ये डेटा टाइप है, ये मेथड को लिखने का ये सिंटैक्स है, क्लास को लिखने का ये सिंटैक्स है, तो वो सिंटैक्स जरूर फॉलो होगा और हर जगह फॉलो होगा। ऐसा नहीं कि भैया एक जगह, अब पाइथन में क्या है, किसी और लैंग्वेज मैंने क्या देखा है, वो कहते हैं कि वेरिएबल को सीधे भी लिख लो, डेफ के साथ भी लिख लो, डिक्लेयर करोगे तब भी चलेगा, नहीं डिक्लेयर करोगे तब भी चल जाएगा, क्लास के अंदर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, नहीं करोगे तब भी हो जाएगा, है ना। तो मतलब उनका कह सकते हो कि एक एक बिल्कुल सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊँ, है ना, अपने भाषा में बताऊँ, तो कह सकते हो कि एक होता है ना कि एक ईमान धर्म होता है किसी टेक्नोलॉजी का, कि वो किस तरह से वर्क करेगी, तो इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। मैं एक सिंपल वर्ड में आपको बताऊं, पर्सनली इतने साल के बाद इस पे काम करने पे मुझे ऐसा लगता है, किनका, अदर टेक्नोलॉजीज, स्पेशली मैं पाइथन की बात करूं, स्पेशली मैं कोडलिन की बात करूं, उनका सिर पैर नहीं है, कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, क्या है, है ना। और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो टेक्निकली ग्रामेटिकली स्ट्रांग है, ग्रामर है, आपको स्टेप बाय स्टेप जब आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही मजा आने लगेगा, हाँ ये ग्रामर ऐसा है, दूर से देख के एरर पता चल जाता है ये एरर इस तरह से आ रही है। कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे कंपाइल टाइम एरर ही नहीं आता, पता ही नहीं चल पाता है हमें क्या क्या एरर है, क्या एरर का मतलब है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें ऐसा नहीं है, हमें एरर पता चलेगा कंपाइल करते ही पता चल जाएगा, और जो एरर होगा उसका एक सटीक मतलब होगा कि क्या ये है और कहाँ एरर आ रहा है, उसका क्या कॉज है, रूट कॉज को आप देख के सारी चीज़ें निकाल सकते हो। तो दुनिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमें सीखनी चाहिए ना, जिस टेक्नोलॉजी का मतलब सिर पैर हमें पता हो कि कहाँ से शुरू हो रहा है, क्या उसका ग्रामर है, क्या उसका सिंटैक्स है। और जावा सिंटैटिकली ग्रामेटिकली बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को सीखने के बाद वही मैंने आपसे बताया कि ये तो मैंने एरिया बताया, टेस्टिंग एरिया बताया उधर आपको, हाँ मैं एक और एरिया बताता हूँ आपको, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड का आज के टाइम पे जमाना है, जैसे आपको कैसेंड्रा सीखना है, कैसेंड्रा एक मतलब कैसेंड्रा क्लाउड से रिलेटेड चीज़ें हैं, बिग डेटा है, ये बिग डेटा है ना, आपको बिग डेटा सीखना है, कैसेंड्रा सीखना है आपको, आपको काफ्का सीखना है, जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, काफ्का, कैसेंड्रा, है ना, ड्रूड, प्रेस्टो, ठीक है, काफ्का सीखना है, ड्रूड सीखना है, प्रेस्टो सीखना है, ये जो टेक्नोलॉजी का नाम मैं ले रहा हूँ बेसिकली ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जो बिग डेटा से रिलेटेड टेक, स्पार्क के बारे में आपने सुना होगा, है ना, स्काला के बारे में सुना होगा आपने, तो जो स्काला है ना ये जावा पे इंटरऑपरेबल होती है, ये भी JVM पे रन होती है, तो अगर आपको जावा आती है ना तो आप स्काला पे अपना कैरियर मूव कर सकते हो, आपको जावा आती है तो आप कैसेंड्रा सीख सकते हो, राइट, आपको जावा आती है तो आप बिग डेटा हडूप सीख सकते हो, समझ में आ रहा है, हडूप में अपना कैरियर बना सकते हो। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है यार जिसको सीखने के बाद आदमी अपना किसी भी एरिया में अपने कैरियर को मूव कर सकता है। ऑप्शंस आ गए ना, आपने कहा सर यार इस कंपनी में तो स्काला पे काम हो रहा है तो आपने स्पेशली स्काला सीख लिया, इस कंपनी में तो यहाँ पे काम हो रहा है स्पार्क में तो आपने स्पार्क सीख लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। और स्पार्क या स्काला को सीखने के लिए ना इनका जो सिंटैक्स होता है वो जावा की ही, जावा में लिखा जाता है, कोडिंग इसी तरह से होती है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है हम ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी हैं, ओपन सोर्स होने की वजह से यार, ओपन सोर्स होने की वजह से जो है एन नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज इसके अंदर इन्हांसमेंट करती है, कल कोई नई चीज़ आ जाएगी। पता है कभी एक ऐसा टाइम आया था जब .NET बहुत बूम पे था और रिच लाइब्रेरीज होने की वजह से उनके अंदर एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होते थे, लेकिन वहाँ पे कमियाँ क्या आ गई, जब जावा आया ना, अच्छा जावा इनिशियली सन माइक्रो सिस्टम करके एक कंपनी थी जिसने उन्हें सन माइक्रो सिस्टम यहाँ लिख देता हूँ, सन माइक्रो सिस्टम ने जावा को डेवलप करा था, क्योंकि इसी कंपनी के अंदर बैठ के जेम्स गॉसलिन ने जावा को बनाया था, लेकिन बाद में ओरेकल कंपनी ने सन माइक्रो सिस्टम को ख़रीद लिया, यानी पूरी जावा बिक गई, तो फिर मार्केट में हल्ला हो गया कि ये तो बेकार हो गया, इसमें कुछ होगा ही नहीं, राइट। तो मैं आपको बताऊं तो जावा ने फिर जो है, आप बोल सकते हो कि इसकी ओपन सोर्स फीचर की वजह से इसके अंदर इन्हांसमेंट हुआ, नई टेक्नोलॉजीज आई
और एक एंड्रॉयड का उदय हुआ है ना, एंड्रॉयड की वजह से इसको बहुत ज़्यादा पूछने लगे लोग, राइट? क्योंकि एंड्रॉयड सीख रहे हैं तो जावा आनी चाहिए, समझा रहे? बहुत पहले की बात बताऊंगा। और एंड्रॉयड मैं उस टाइम से जानता हूँ जब से एंड्रॉयड आया है मार्केट के अंदर, मैं उस टाइम से भी, मैं इक्लिप्स पे, आज तो एंड्रॉयड स्टूडियो पे एंड्रॉयड चलता है ना, मैं इक्लिप्स में एंड्रॉयड SDK पूरा कन्फिगर उन्फिगर करके उसके हेलो वर्ड को प्रोग्राम को चलाने में मुझे 2-3 दिन 4 दिन लग गए थे, तब हेलो वर्ड उसका प्रोग्राम मैं चला पाया था। उस टाइम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पे बात यह है कि बेसिकली आप अपना जो कैरियर है वो कैरियर किसी भी टेक्नोलॉजी किसी भी एरिया में मूव कर सकते हो। कल को आप खुद का अपना बिजनेस चला रहे हो भाई, आपको बिजनेस भी करना है, मान लो आपको अगर बिजनेस करना है, आपको टेक्नोलॉजीज के बारे में पता नहीं होगा कि भाई काफका क्या होता है, बिग डेटा क्या होता है, कसेंड्रा क्या होता है, डूड क्या होता है, प्रेस्टो क्या है, स्काला क्या है, या आका फ्रेमवर्क क्या है ना? तो इन सब के बारे में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, और ये सारी चीज़ों का आइडिया होगा और टेक्नोलॉजीज में आप आगे तब मूव करके जा पाओ। मुझे भी इन सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं पता था, जब मैं कंपनी के अंदर इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली गया, इंडस्ट्री के अंदर गया तो मुझे पता चला कि भाई काफका भी कोई टेक्नोलॉजी है, नहीं तो पहले जावा के अंदर JMS भी होता था, JMS पे हम काम करते थे, है ना? तो आपको भी लग रहा है ये काफका, CAFKA काफका, ड्रूड ये टेक्नोलॉजी है, प्रेस्टो ठीक है ना, कैसेंड्रा ठीक है, कैसेंड्रा ये बिग डेटा है, बिग डेटाबेस में यूज होता है इसका, ठीक है? कैसेंड्रा हो गया, बिग डेटा हो गया, काफका हो गया, डूड हो गया, प्रेस्टो हो गया, और कौन सी टेक्नोलॉजी, स्काला, स्काला ठीक है, अका, ये अका भी एक फ्रेमवर्क है, राइट? मतलब कह सकते हो कि ये जावा के अंदर ही, जावा पे ही बिल्टअप है, जावा पे ही बेस्ड है। टेक्नोलॉजी सीखनी है आपको, कैसे सीखोगे? क्योंकि पैकेज कहाँ, यहीं पे हैं। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको पैकेजेस बढ़ाने होंगे और आपको मतलब टेक्नोलॉजी में कहीं और बिग डेटा वगैरह एरिया में जाना है, इन सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा आपको। कैसे सीखोगे? एक एक लैंग्वेज का तो बेस होना चाहिए ना। तो ये जो दिन है, ये जो आपने स्टार्ट किया है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जावा सीखोगे, बेसिक सीखोगे, उप्स सीखोगे, देन उसके जावा के जितने कंसेप्ट वो सीखोगे, जब वो कंसेप्ट सीख जाओगे ना तो दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी को सीख जाओगे। उसके बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा इन सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में। और क्या है भाई, आपने ERP, SAP और SAS के बारे में सुना है? तो ERP जो होती है, SAS और SAP होते हैं, है ना, इसके भी डेवलपर्स होते हैं, वहाँ पे भी कोडिंग होती है, वहाँ पे जो कोडिंग होती है उस पर्टिकुलर कोडिंग में भी जावा यूज़ होती है। अगर आपको जावा का नॉलेज है तो अपना ERP, SAS और SAP में भी अपना कैरियर आप बना सकते हो। एरिया देखो ना कितना वास्ट है। अच्छा ठीक है, सबसे मज़ेदार एरिया बताता हूँ, एम्बेडेड की बात मैं कर रहा था, मैं आपसे बता रहा था कि एम्बेडेड प्रोग्रामिंग मतलब किसी हार्डवेयर में किसी सॉफ्टवेयर को एम्बेड कर दिया जाए और उसे चला दिया जाए और ऑटोमेटिक चल रहा है, दैट इज एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग सी से होती थी पहले स्टार्टिंग में, अब जावा विद एम्बेडेड भी है, तो आप जावा का यूज़ करके एम्बेडेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। जावा विद एम्बेडेड भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। IoT का नाम आपने सुना होगा, है ना? IoT ये भी एक टेक्नोलॉजी है ना? IoT में बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे हम बोलते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ होती हैं उनको मिला के हम जो यूज़ करते हैं, ये सब एम्बेडेड के अंदर ही आता है बेसिकली IoT। और ये IoT के ही मतलब कह सकते हो कि IoT में इंटरनेट पे आने वाले बहुत सारे प्रोग्राम्स को मतलब इन्वॉल्व करके हम इसको इसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है? तो IoT में अपना कैरियर आपको बनाना है, एम्बेडेड में आपको कैरियर बनाना है, इन सारे टेक्नोलॉजी में कैरियर बनाना है, तो आप जावा को सीखो भैया, अपना उसना कैरियर बनाओ, जहाँ मर्जी वहाँ कैरियर बनाना है बताओ। तो कंपनी के अंदर क्या है ना कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी एक लैंग्वेज को सीखने के पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है? तो इस टेक्नो अच्छा ये टेक्नोलॉजी इतना वास्ट हो चुका है, इतना फैल चुका है, ये लैंग्वेज इतनी फैल चुकी है, मैंने आपसे बताया ना 80% मार्केट ऑलरेडी इसने कैप्चर कर रखा है, तो हमें इसको करने के बाद हमें अपनी लाइफ को सिक्योर मान सकते हैं। और नहीं, अगर कल को हमें ज़रूरत पड़ी, नहीं मुझे पायथन भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, कुछ और भी सीखना है, तो मैं एक बार आपको फिर से गारंटी देता हूँ कि आप 5 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर पायथन सीख सकते हो, कोडलिन सीख सकते हो, किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हो, जब आपको एक किसी टेक्नोलॉजी का अच्छे से पकड़ बन जाता है, उसके बारे में पता चल जाता है, अच्छा प्रोग्राम ऐसे कंपाइल होता है, ऐसे रन होता है, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो आपको मजा आने लगता है। तो फिर क्या बात हो गई भाई, जावा के बारे में क्या बोल सकते हो आप? जावा इज वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हैव कैपेबिलिटी टू डेवलप
एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग जावा. यू कैन डेवलप द डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू कैन डेवलप. यू कैन मेक योर करियर इन एनी वे आर वंस यू हैविंग अ नॉलेज ऑफ जावा. बात समझ में आ रही है? एंड इट हैविंग मेनी मोर फीचर्स. इसके बहुत सारे फीचर्स हैं. फीचर्स क्या हैं भाई? ये सिंपल है. ये फीचर्स हैं जावा के. दे आर द फीचर्स ऑफ जावा. फीचर्स क्या हैं भाई? सिंपल, सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पोर्टेबल. ठीक है, रोबस्ट, रोबस्ट. तो सिंपल, सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, रोबस्ट. और क्या है भाई? मल्टी थ्रेडेड. और क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, आर्किटेक्चुअल न्यूट्रल. मैं एन लिख देता हूँ, आर्किटेक्चुअल न्यूट्रल. तो सिंपल, सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आर्किटेक्चुअल न्यूट्रल, डिस्ट्रीब्यूटेड, मल्टी थ्रेडेड, ओपन सोर्स. ओपन सोर्स, डायनेमिक. ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हो कि बहुत सारे हमारे पास क्या हैं, नंबर ऑफ फीचर्स हैं. तो जावा इज एन हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिन एंड हिज टीम. जेम्स गॉसलिन एंड हिज टीम. जेम्स गॉसलिन जो थे, जेम्स गॉसलिन के साथ टीम मेंबर्स भी थे बहुत सारे, जैसे पैट्रिक नॉर्टन, ईडी फ्रैंक, माइक सेरेडन. तो जेम्स गॉसलिन थे, वो सन माइक्रोसिस्टम कंपनी में काम कर रहे थे, राइट? तो उन्होंने अपनी एक टीम को लेके इस लैंग्वेज को बनाई थी. ठीक है, टीम्स के मेंबर थे जैसे पैट्रिक नॉर्टन, ईडी फ्रैंक, माइक सेरेडन. इन लोगों ने मिलके इस लैंग्वेज को बनाया था. स्टार्टिंग में सन माइक्रोसिस्टम कंपनी के ही थ्रू ये गवर्न होता था, बाद में ओरेकल ने इसे टेक ओवर कर लिया. तो नाउ सन माइक्रोसिस्टम कंपनी इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन, राइट? तो इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज जो कि 1995 में बनाई गई है. एंड दिस लैंग्वेज हैव द कैपेबिलिटी टू डेवलप वेरियस वैराइटीज ऑफ सॉफ्टवेयर. एवरी टेक्नोलॉजी इज हैविंग रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, व्हाट दे कैन डू. दे हैविंग लिमिटेशंस टू डेवलप द एप्लीकेशंस एंड देयर एरिया ऑल्सो. बट जावा इज वन ऑफ द लैंग्वेज विच हैविंग नो एनी लिमिटेशन. यूजिंग जावा यू कैन डेवलप द डेस्कटॉप एप्लीकेशन. डेस्कटॉप मतलब जो सिंगल सिस्टम पर चलने वाली सॉफ्टवेयर हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन जो वेबसाइट्स होती हैं, मोबाइल में चलने वाली एप्लीकेशन, एम्बेडेड एप्लीकेशंस, क्लाउड एप्लीकेशंस, है ना, किसी भी तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर्स यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना. ये जावा जो एंड्रॉयड जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जावा में डेवलप है, राइट? तो ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो इसके अंदर इवन. ठीक है, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, एंटीवायरस डेवलप कर सकते हो. तो एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन यू कैन डेवलप. एंड इट हैव मेनी मोर फीचर्स. सिंपल, सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, डिस्ट्रीब्यूटेड, मल्टी थ्रेडेड, ओपन सोर्स, डायनेमिक, इंटरप्रेटेड, एटसेट्रा. सो ये था आपका डेफिनेशन और इसके फीचर्स. अब इसके फीचर एक एक करके हमें समझना पड़ेगा, ये सिंपल कैसे है, ये सिक्योर कैसे है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंसी का क्या मतलब है, जावा अगर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है. ठीक है, ये सारी चीज़ जानना होगा. बट चलो ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करी, समझाया आपको. अब आप मुझे बताइए कि सर आप कुछ जानना चाहते हो, आपका भी कोई क्वेश्चन बनता है, आपकी भी कोई क्वेरी बनती होगी सर इतना जानने के बाद. बहुत कुछ मैंने बोला, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेरी है? नहीं सर. सारे क्वेरी क्वेरी फिक्स हो गए, समझ में आ गया मतलब? समझ में आ रहा है ना? हाँ सर. चलो बढ़िया. अच्छा, तो कुछ और इंटरेस्टिंग चीज जो इसके बारे में आप जानना चाहते हो कि भैया सर ये भी बताइए आप. फिलहाल तो मेरे को पता नहीं है कि क्या पूछना
एक होता है ना कि भैया एग्रेशन है ना, तो जब किसी चीज को पढ़ने जाते हो तो एग्रेशन जरूर आएगा। आपके माइंड में नहीं आ रहा है कि सर ने बोला हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती होगी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, जरा बताइए, है ना क्वेश्चन? कहीं बाहर हो क्या बिल्कुल सुजीत आप? नहीं सर, ये आवाज आ रही है बहुत। मेरे तरफ से नहीं जा रही है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो चलिए आप लोग म्यूट कर लीजिए, फिर आगे की चीजें मैं खुद ही बताता हूँ। देखिए तो अच्छा, ये जो जितने मैंने डेफिनेशन वगैरह आपको बताया, ये सारी चीजें आपको लिखाने की जरूरत है, मेरे पास एक फाइल भी है, मैं आपको दे दूंगा। और ये जो सेशन मैं बता रहा हूँ, ये मैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डाल दूंगा आपके लिए, कहीं पे भी दे दूंगा, तो आपको वहाँ से डेफिनेशंस को अपने हिसाब से लिख सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, हम फास्ट थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, ठीक है? नहीं तो पढ़ाने का तरीका मेरा है कि मैं तो एक एक डेफिनेशन लिखा देता हूँ। बताइए, ठीक है सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी कुछ ऐसी है कि भाई अब आ जाता है कि भाई जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हाई लेवल की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फीचर बताने से पहले कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो अब यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि सर ये हाई लेवल की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती होगी आखिर? व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज़ द प्रोग्राम एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है? तो कई पॉइंट्स आ जाते हैं मार्केट मतलब माइंड में, सॉरी, ठीक है? तो क्या क्या पॉइंट है? पॉइंट है कि भाई व्हाट इज प्रोग्राम, है ना? क्योंकि देखो, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं उसका पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ क्या है, क्यों बनाई गई, क्या इसका ज़रूरत पड़ा, है ना? तो सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, क्योंकि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये भी तो पॉइंट है, ये भी तो एक पॉइंट है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती होगी, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? तो चलिए डिस्कस करते हैं, देन आपको समझ में आ जाएगा। तो परवेज, क्या आप मुझे बताओगे कि भाई प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज अ प्रोग्राम? आपका आपका आवाज कट रहा है, क्या कह रहे हो? जैसे कोई कोई चीज को लूप में लगा देंगे, करता ही रहेगा। अच्छा, ठीक है ठीक है। सुजीत आप बताओगे प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम सर सेट्स ऑफ कोड होता है हाँ, जिसमें हमें डिक्लेयर करना होता है कि हमारे को क्या काम करवाना है। ठीक है, बढ़िया, आप लोगों ने अच्छा बताया। देखिए, मैं आपको आपकी आपके पढ़ने का तरीके को बदलना चाहता हूँ। मैं बदलना ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपसे प्रोग्राम के बारे में पूछा, तो आपको क्या लग रहा है कि सर ने बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ दिया, कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ दिया, और कोडिंग में ही हमें इसे बताना है ना? ये आपको थोड़ा सा टफ लगने लगा इसीलिए, ठीक है? और आप इसकी डेफिनेशन को अपने हिसाब से बताने लगे। तो पहली चीज़ तो मैं आपके लिए ये क्लियर करूँगा कि जब जब पर्टिकुलर चीज़ को आप किसी के सामने बताने जाते हो ना, कोई भी टॉपिक या कुछ भी आप पढ़ने जाते हो, और स्पेशली जावा में पढ़ने जाते हो, तो आज से ये चीज़ आप ध्यान रखना कि भाई आप उस पर्टिकुलर चीज़ को ना पहले रियल वर्ड से रिलेट करो, रियल वर्ड से रिलेट करो। रियल वर्ड समझते हो आप लोग? रियल वर्ड का मतलब होता है जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे हम हैं, ये संसार जहाँ पे हम हैं, जहाँ हमारा अस्तित्व है, वो हमारा एक रियल वर्ड है। तो जब आप किसी टेक्नोलॉजी को पढ़ने जाते हो, तो उसको कहीं ना कहीं पहले आप उसको रियल वर्ड से रिलेट करके पढ़ोगे ना, तो आपको चीज़ें बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, लिटरली बता रहा हूँ। और पता है, ये बात मैं नहीं कहता हूँ,
ये कौन कहता है पता है? ये कहता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट। आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? मैं प्रोग्राम बताने से पहले आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जावा के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जावा एक हाई लेवल की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसी पर्टिकुलर सेशन में ही मैं आपके साथ ये सारा चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे पास ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ना तीन टर्मोलॉजी आती हैं। एक आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, फिर एक आ जाता है ऑब्जेक्ट बेस्ड, ठीक है, और फिर एक आ जाता है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये तीन अलग अलग कैटेगरी है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड और प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्लियर? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों हैं क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये बेसिकली कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट पता है क्यों आए थे? ये कंसेप्ट आए थे जब हमें प्रोग्रामिंग करने में डिफ़िकल्टीज होने लगी। आपको पता है कि प्रोग्रामिंग करने में डिफ़िकल्टीज क्यों होने लगी? प्रोग्रामिंग करने में डिफ़िकल्टीज इसलिए होने लगी क्योंकि जावा से पहले, सी प्लस प्लस से पहले भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि मतलब कह सकते हो कि मार्केट में उसका एक अच्छा नाम था, और वो आज के टाइम पे हर लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज कहलाती है, दैट इज़ सी। सी जो लैंग्वेज थी वो एक अप्रोच को फॉलो करती थी जिसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड, प्रोसीजरल, प्रोसीजरल अप्रोच को फॉलो करती थी। और ये जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच है, यहाँ पे समस्या ये होता था ना, आपको चीज़ों को याद करना पड़ता था, मेमोराइज करना पड़ता था। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट आया, यहाँ पे बोला गया कि आप क्या करो, चीज़ों को रियल वर्ल्ड से रिलेट करो। वैसे इनके बीच में क्या डिफरेंस है, डिटेल स्टडी मैं आपको आगे करवाऊंगा, अभी बताऊंगा, है ना। लेकिन एक रफ आइडिया अगर मैं आपको दूं इस फर्स्ट सेशन में, तो ये समझ लो कि दोनों एक अप्रोचेज हैं, प्रोसीजरल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजरल ओरिएंटेड जो अप्रोच हुआ करता था, जो सी फॉलो करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, सबसे पहले सिमुला नाम की लैंग्वेज में, देन सी प्लस प्लस, देन जावा, और आज के टाइम पे हर लैंग्वेजेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सबसे बड़ा फंडा होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्या फिर ये समझ में आ गया, अप्रोच है। दे आर द अप्रोचेज टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, राइट। अप्रोच का मतलब होता है तरीका। जैसे मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला आपको सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका, टेक्निक है। जैसे ए से लेकर 100 तक के नंबर को आपको जोड़ना है, तो आप एक में दो को जोड़ो, दो में तीन को जोड़ो, ऐसे करके जोड़ो मैनुअली, दैट इज प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच, राइट। एक एक करके जोड़ो। और एक तरीका है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये फॉर्मूला है, इसके थ्रू जोड़ो, ये फॉर्मूला है, ये अप्रोच है, इसे जोड़ोगे काम जल्दी हो जाएगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है ना, ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है। रियल वर्ल्ड से मतलब जहाँ हम एग्जिस्ट करते हैं, इसको आप ऐसे रियल, जैसे रियल वर्ल्ड में हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, हाँ प्रोग्राम हम रियल वर्ल्ड में बनाते हैं, कहीं घूमने का, पिकनिक का, मैरिज का, है ना, ये प्रोग्राम हम बनाते हैं। कहते हैं भाई कल का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा, है ना, या मेरा आज तो यहाँ जाने का प्रोग्राम है, आज तो मेरा वहाँ जाने का प्रोग्राम है। वो जो रियल वर्ल्ड में प्रोग्राम है ना, वही प्रोग्राम का मतलब यहाँ पे भी है। इसको मैं यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ, और मैं आपको ये बताना पहले चाह रहा हूँ कि जावा को सीखने के लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट सीखना होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सीखने के लिए आपको रियल वर्ल्ड से चीज़ों को रिलेट करना होगा। अगर आप चीज़ों को रियल वर्ल्ड से रिलेट करोगे ना, तो 100% की गारंटी है आपको चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यार मैं रट्टा नहीं मारूंगा तो मुझे ये चीज़ भूल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है ना। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे देखो, लोग कहते हैं कि भाई हमें ये स्पेलिंग, ये चीज़ें भूल जाती है, या ये मेरे पास जो वर्ड है ये मैं भूल जाता हूँ। आप अगर किसी चीज़ को भूलते हो, तो उसको याद कैसे कर सकते हो? अगर कोई भी चीज़ किसी को ऐसे नॉर्मल बताया जाए ना, तो वो भूल जाता है। और अगर चीज़ों को याद करना हो, तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है पता है? चीज़ों को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एकदम पिक्चर बना के अपने दिमाग में कहीं उतार ले, अपने जहन में उतार ले। अपने दृश्यम मूवी देखिए, दृश्यम, वो क्या करता है, वो बता देता है कि हम 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, सबके दिमाग में भर देता है, मेमोराइज कर देता है। तो जो गलत होते हुए भी वो सबको क्या बोल रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर रहा है, वो एक एग्जाम्पल के थ्रू तो मैनेज कर रहा है।
वो एक माइंड में सबके सेट कर दे रहा है कि भैया ये चीज़ ऐसे हुई थी, और सबको दो तीन दो दो तीन तीन बार जाके वो सबको बोल देता है ना, तो भाई सबको लगने लगता है कि हाँ उसी दिन वो गया था, और सब लोगों को नहीं पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो चीज़ों को याद करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है, उसने उस टाइम पे भी बताया कि पिक्चर के थ्रू अगर चीज़ों को मेमोराइज़ करते हो तो चीज़ें जल्दी आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, पिक्चर के साथ आप कुछ कल्पना करो, कुछ इमेजिनेशन करो, जिस इमेजिनेशन से चीज़ों को जल्दी याद करोगे। यूट्यूब पे एक मतलब ये हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं विवेक बिंद्रा जी, तो उनको मैं ज़रूर फॉलो करता हूँ। तो मैं उनका एक वीडियो देखा था, वो ऐसे एग्जाम्पल को समझाते समझाते उन्होंने एक एग्जाम्पल समझाया, कहा कि ये देखिए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से उन्होंने समझाया कि जैसे हमारे पास एक वर्ड है ना, ये हमारे पास एक वर्ड है, राइट, ये वर्ड है, हमारे पास एक वर्ड है एसेसिनेशन। कौन सा वर्ड है? एसेसिनेशन। अब एसेसिनेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है, इस वर्ड को अगर आप याद करोगे ना तो आपको थोड़ा सा मतलब लगेगा कि यार कितना बड़ा वर्ड है। देखो एसेसिनेशन की वैसे स्पेलिंग याद करोगे तो मुझे भी याद नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है? अगर एसेसिनेशन को ऐसे याद करोगे तो आप भूल सकते हो। एसेसिनेशन का मतलब होता है ना किसी का हत्या कराना, मतलब मारना, राइट। तो AASSINATION है ना। अब इसको अगर याद करना है तो इसका बेस्ट टेक्निक क्या है भाई, कैसे याद कर सकते हो, है ना? इसको ऐसे याद कर सकते हो, AASS का मतलब होता है एस, एस मतलब गधा, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एक गधा, गधे के ऊपर गधा, एक गधे के ऊपर दूसरा गधा, है ना, और गधे के ऊपर मैं, आई मतलब मैं, और नेशन का मतलब राष्ट्र, तो गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं, मेरे ऊपर राष्ट्र, है ना। ये देखो तरीका होता है याद करने का, नेशन का मतलब राष्ट्र होता है, AASS का मतलब गधा होता है, फिर AASS का मतलब गधा होता है, तो गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं, मेरे ऊपर राष्ट्र। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से आपने इसको, मैंने इसे ऐसे ऐसे ही याद किया हुआ है, एग्जाम्पल से बताया गया। ये क्या है? रियल वर्ड मेमोराइज करके दिमाग में बैठा दिया गया, पिक्चर बना लो यार, प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम मुझे याद करना है, प्रोग्राम को याद करना है तो क्यों ना हम एक काम करें, रियल वर्ड से रिलेट कर दें प्रोग्राम को, तो याद करना है हमें, रियल वर्ड से रिलेट कर लें हम। कैसे? हम रियल वर्ड में प्रोग्राम बनाते हैं ना भाई, हम कहीं घूमने गए थे तो उसको दिमाग में मैंने बना लो, यही प्रोग्राम होता है यार। समझ में आया आपको? तो ये जो रियल वर्ड है ना, ये अगर रियल वर्ड से चीज़ों को रिलेट करके और उसको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करोगे तो मेरी गारंटी है कि आप कभी चीज़ों को भूलोगे नहीं, आपको कभी किसी चीज़ का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। 100% सियोरिटी आपके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट पढ़ाएंगे आपको हम। ऑब्जेक्ट नाम का एक कंसेप्ट होता है, क्लास नाम का कंसेप्ट होता है, इनहेरिटेंस नाम का कंसेप्ट होता है, पॉलीमॉर्फिज्म नाम का कंसेप्ट होता है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, जो भी कंसेप्ट होते हैं इनको मैं रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल से पढ़ाऊंगा और फिर उसको प्रोग्रामिंग में उतार दूंगा। तो आपको क्या लगने लगेगा? वो चीज़ें मतलब सिंपल लगने लगेगी। आप इंटरव्यू में भी जाओगे ना तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ऑब्जेक्ट का मतलब बताओ, क्लास का मतलब बताओ, तो वहाँ पर आपका दिमाग एकदम सुन्न हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रियल वर्ड से उसको रिलेट करिए होंगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, राइट। तो यहाँ पे क्या कहानी है, यहाँ पे कहानी कुछ ऐसे है कि व्हाट इज़ प्रोग्राम? तो अब मैं बोल सकता हूँ कि प्रोग्राम का मतलब, अच्छा मैं क्या करा भाई, मेरा प्रोग्राम था आज का कहीं घूमने का, तो घूमने के लिए मैंने क्या किया, घूमने के लिए भाई मैं पहले सुबह उठा, नहाया धोया, तैयार हुआ, उसके बाद मैंने अपना कैब बुक करा, कैब बुक करके मैं अपने दोस्त को लिया, वहाँ से पिक करके दूसरे दोस्त के लिया, फिर वहाँ से हम गए सीपी, फिर वहाँ से हम घूमने वहाँ चले गए, वहाँ से गए, और फिर इस तरह से हम मूवी देखने का हमारा प्रोग्राम था, वहाँ पहुँच गए, राइट। दिस इज़ द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का मतलब किसी भी काम को करने का जो स्टेप बाय स्टेप कह सकते हो आप प्रोसेस फॉलो करते हो, स्टेप बाय स्टेप जो उस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए टास्क करते हो, दैट इज़ अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम इज़ अ चेन ऑफ स्टेप्स या सेट ऑफ एक्टिविटीज़। प्रोग्राम इज़ अ चेन ऑफ स्टेप्स और सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ कंबाइंड टुगेदर। प्रोग्राम इज़ अ चेन ऑफ स्टेप्स और सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ कम्बाइंड टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव ए स्पेसिफिक टास्क। मतलब ऐसे कोई टास्क जिसको आपको अचीव करना है, जैसे मैरिज में जाना है, ये प्रोग्राम है, तो ये हमारा टास्क हो गया, तो उसके लिए मैं क्या क्या तैयारी करा, क्या क्या सेट ऑफ एक्टिविटीज़ करा, दैट इज़ अ प्रोग्राम।
ठीक है, जैसे मुझे 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए मैंने क्या क्या पढ़ा और क्या चीज़ें करी और क्या क्या स्टेप्स लिखे, दैट इज़ द प्रोग्राम। तो ऐसे ही बोल सकते हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज द प्रोग्राम, कोई गलत नहीं है, लेकिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज़ इन स्टैटिक स्टेट, नॉट इन एग्जीक्यूशन। पता है प्रोग्राम कभी एग्जीक्यूशन स्टेट में नहीं होता, प्रोग्राम हमेशा स्टैटिक में होता है, मतलब वो रन नहीं होता है, प्रोग्राम स्टैटिक स्टेट में होता है, लेकिन जब प्रोग्राम रन होने लगता है ना, तो वो डायनेमिक स्टेट में जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊँ, है ना। अच्छा ये बताओ, हमारा आज क्लास करने का एक प्रोग्राम बना था कि नहीं बना था? हमने बनाया था कि भैया मुझे, मैं जिस इतने बजे सेशन लेना है, तो वो प्रोग्राम हमने जब बनाया था, तो उसके लिए मैंने सोचा भाई घर पहुंचूंगा, लैपटॉप ऑन करूंगा, स्काइप ऑन करूंगा, फिर ये कॉल करूंगा, फिर हमने, तो ये जो हमने सेट ऑफ स्टेप्स करा, दैट इज द प्रोग्राम। लेकिन ये मैंने सोचा था उस टाइम पे ना, 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, या कल हमने ये प्लानिंग कर ली थी, और आज उसका अभी क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है। नाउ द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम हमारा चल रहा है अभी। और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में आता है, तो इट बिकम अ प्रोसेस, द एक्टिव स्टेट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम चल रहा है अभी, मुझे शादी में जाना है 22 तारीख को, मेरा प्रोग्राम आज से शुरू हो गया, और कब कब कैसे कैसे स्टेप्स क्या क्या करना है, वो मैंने अपनी प्लानिंग कर ली, दैट इज द प्रोग्राम। लेकिन वो चलेगा किस दिन, 22 तारीख को जाके, तो इट बिकम अ प्रोसेस। मुझे क्या करना है, 2 नंबर के सम का प्रोग्राम बनाना है, मैंने अपने कंप्यूटर में 2 नंबर का सम का प्रोग्राम लिख लिया नोट पैड पे, तो लिख लिया वो प्रोग्राम है, जब उसको कंपाइल करके रन करूँगा, जब वो चलने लगेगा, तो नॉट बिकम अ प्रोसेस। और प्रोसेस को कौन चलाता है, प्रोसेसर। प्रोसेसर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, दैट इज़ अ प्रोग्राम एंड प्रोसेस। सो प्रोग्राम और प्रोसेस में यही डिफरेंस है कि प्रोग्राम स्टैटिक होता है, प्रोसेस डायनेमिक होता है। प्रोग्राम का ही एक्टिव स्टेट होता है प्रोसेस, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेस, प्रोग्राम इज ऑलवेज इन स्टैटिक स्टेट। सो इफ एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्टैटिक स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम, या प्रोग्राम इज द चेन ऑफ स्टेप्स या सेट ऑफ एक्टिविटी विच इज कंबाइंड टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव ए स्पेसिफिक टास्क, बट दे आर इन स्टैटिक, नॉट इन एग्जीक्यूशन। इफ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, इट बिकम अ प्रोसेस। तो ये डिफरेंस होता है प्रोग्राम एंड प्रोसेस के बीच में, बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, जब आप किसी भी कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बनाते हो, तो प्रोग्राम बना के लिखते हो Alt F9 या Ctrl F9, अगर सी पढ़ रहे हो, C++ पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हो, तो प्रोसेस में बदलता है, तो वो प्रोग्राम का प्रोसेस कहलाता है, राइट। अच्छा, अब अगर एक प्रोग्राम का प्रोसेस हमने बनाया, हमने नहीं बनाया, अपने आप वो प्रोसेस जब प्रोग्राम रन होगा तो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी कभी प्रोग्राम के अंदर से कई सारे सब प्रोग्राम चलते लगते हैं, है ना, वो चलते हैं, और उन्हीं को हम थ्रेड्स बोलते हैं, दे आर द थ्रेड्स, THREAD, थ्रेड। तो थ्रेड क्या होते हैं, सब प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर से चलने वाले प्रोसेस। जैसे जैसे ये वर्ड है, आउटलुक है, ये सब क्या है, ये प्रोग्राम है, इनकी प्रोग्रामिंग करी गई होगी, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनको उनको कई सारे प्रोग्राम को मिला के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, तो वो जब चलते हैं तो प्रोग्राम चलता है, कहीं ना कहीं वो प्रोसेस चलता है, और उनके अंदर से, जैसे जीमेल है, एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर कई सारे सब प्रोग्राम्स हैं, है ना, जैसे मेल सेंड करने का, मेल रिसीव करने का, अटैचमेंट का, तो दे आर नथिंग बट अ थ्रेड्स, प्रोग्राम के अंदर से कई सारे प्रोग्राम, है ना, तो थ्रेड्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब बात आ जाती है कि हमें समझ में आ गया प्रोग्राम क्या है, तो क्वेश्चन क्या है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो इसको भी समझते हैं। देखो, मैंने पहले रियल वर्ड से बताया ना, भैया मान लो कि कल को आपको बर्थडे है, तो बर्थडे के लिए आपने प्लानिंग करोगे, प्रोग्राम तो बनाओगे, अब क्या क्या करोगे, अब आप समझ सकते हो कि भैया सुबह उठेंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे, केक ऑर्डर करेंगे, केक आएगा, गुब्बारा फुलाने वाला आएगा, वो काटेगा, फिर केक कटेगा, फिर खाएंगे, फिर डिनर होगा, फिर डांस वांस होगा, फिर सो जाएंगे। दैट इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू अचीव ए स्पेसिफिक टास्क, किसी काम को करने की जो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग होती है, दैट इज़ अ प्रोग्रामिंग। हो सकता है प्रोग्राम, अब हमें, अब प्रोग्राम को मैं एक वर्ड में अगर कहीं पर लिख के अगर ख़त्म कर दूँ तो ख़त्म हो जाता, लेकिन इतने एग्जाम्पल से बता दिया, आपको ज़िंदगी में नहीं भूलने वाला है, ये माइंड में सेट हो जाएगा। तो यही चीज़ है रियल वर्ड, यही चीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यही कहता है कि चीज़ों को रियल वर्ड से कनेक्ट करो, ताकि चीज़ें आसानी से याद हो जाए। ये मेरा मतलब पर्पज़ होता है, मैं जब कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो आपको ज़रूर रियल वर्ड से रिलेट करके उसे बताऊँगा, और आप भी कोशिश करो सर एक एग्जाम्पल दे के बताओ, तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना, ये कोशिश करा करो। बाकी अब बात ये आ जाती है कि हम प्रोग्राम है, मुझे कोई लिखना है, जैसे मैंने प्रोग्राम बनाया कि भैया 24 तारीख को मुझे यहाँ जाना है, अब वो प्रोग्राम तो हो सकता है मैं भूल जाऊँ ना,
तो प्रोग्राम को लिख लेना चाहिए। अब मुझे प्रोग्राम को लिखना है कहीं पे, राइट, तो प्रोग्राम को लिखने के लिए डायरी होना चाहिए, पेन होना चाहिए। और लिखूंगा कैसे, जब तक मुझे कुछ ज्ञान नहीं होगा, जब तक मुझे कुछ अपनी ज्ञान को, अपने अपने प्रोग्राम को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे मेरे पास कुछ ज्ञान है ना, मुझे मेरे पास कुछ नॉलेज है ना, और मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ आपको, कैसे कर रहा हूँ पता है, विद द हेल्प ऑफ भाषा, लैंग्वेज। अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं होता, मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो क्या मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाता? नहीं। तो एक कम्युनिकेशन का मीडियम होता है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इज़ नथिंग बट अ कम्युनिकेशन ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी कम्युनिकेशन ऑफ मीडियम, है ना। मीडियम मतलब दो लोगों के, 10 लोगों के बीच के कम्युनिकेशन का एक कहीं ना कहीं मीडियम है। विदाउट लैंग्वेज, विदाउट भाषा, वी कैन नॉट कम्युनिकेट टू ईच अदर। तो अगर मुझे हिंदी आती होगी तभी तो मैं डायरी में सारे अपनी प्रोग्राम को लिख लूँगा, इंग्लिश आती होगी तभी तो लिख लूँगा। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जो होती है वो बेसिकली विचारों को व्यक्त करने के लिए, जो माइंड के अंदर थॉट्स आते हैं, जो हम प्रोग्राम सोचते हैं, उन पर्टिकुलर सोच सोच को राइट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें पर्टिकुलर लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो लैंग्वेज ये होता है। अब लैंग्वेज हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, तमिल होती है ना, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, उर्दू, हिंदी, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो और इस लैंग्वेज का यूज़ करके आज के टाइम पे समाज में, सोसाइटी में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो क्या हमने कभी किसी समाज या सोसाइटी में देखा कि यार यहाँ जावा बोली जाती हो, यहाँ डॉटेड बोली जाती हो, यहाँ PHP बोली जाती हो? तो ये जावा है, ये .NET है, ये PHP, ये सब जो है ना, ये सब आम जनरल वाली भाषा नहीं है, ये प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। तो कंप्यूटर में यूज होने वाली ये जो भाषा है, दैट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बनाने के लिए जो लैंग्वेज है वो यूज होती है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि लैंग्वेज जो होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, वो हमें लैंग्वेज, हमें सिंटैक्स और सिमेंटिक प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू हम किसी प्रोग्राम को राइट करते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प अस टू राइट द प्रोग्राम बाई प्रोवाइडिंग द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता ही नहीं हो तो हम प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे, वी कैन नॉट राइट द प्रोग्राम। सो हाउ वी कैन राइट द प्रोग्राम? विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? देर आर थ्री मेनली कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेन तीन कैटेगरीज होती है, वैसे बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं मार्केट के अंदर, है ना। ए से लेकर जेड तक 26 करेक्टर होते हैं, और हर करेक्टर से 50+ 100+ लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगी। बट जो मेन कैटेगरी होती है लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल होती है ना।